नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। मोदी सरकार के 9 साल होने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में बीजेपी विशेष संपर्क अभियान चलाएगी। ये विशेष संपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी देश के हर लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी और कार्यक्रम में लाभार्थियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी, जिसके लिए भाजपा के सभी सांसदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीएम और बीजेपी के कई आला नेता भी रैली भी करेंगे। तो देश के हर लोकसभा और विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार एक रोडमैप तैयार कर रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर एक खाका तैयार कर रहे हैं, जिसे क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ कार्यक्रम कब होने हैं, इसके बारे में एक ब्यौरा भी पूरा तैयार किया जा रहा है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का जो कार्यकाल है पूरे होने पर किस किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे? देख मुस्कान, यहाँ पर बीजेपी जब भी कोई चुनाव जीतती है हारती है तो मंथन होता है, मंथन के हिसाब से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पर 9 साल का जो कार्यक्रम उनका, जो कार्यकाल उनका हुआ, उसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 30 मई से 30 जून तक यहाँ पर जो कार्यक्रम का रूप में बनाया गया है कि देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के घर घर पर जहाँ पर बीजेपी के लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, सांसद जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे और नीति और योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे और लोकसभा क्षेत्र के लोगों को देंगे। तो जनता संवाद बहुत जरूरी है और संवाद की यहाँ पर जरूरत भी है, क्योंकि हाल में जिस तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में हारे हैं, दिल्ली में MCD चुनाव हारे हैं, कर्नाटक में चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं मंथन जरूरी है। और बीजेपी इस बार कोई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और सब पहले से ज़्यादा सजग होते हुए यहाँ पर अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून अभियान चलेगा और इसके अलावा तमाम तरह ऐसे तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, रैलियाँ भी होगी, सम्मेलन भी होगी। मुस्कान, आने वाले समय में हमको देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आगामी साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या उसके तहत ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। अभी निकाय चुनाव तो हमने देखा है कि निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूरी लगे हुए थे, नेतृत्व करते हुए उन्होंने लगातार रैलियाँ थी, 50,000 जनसभाएं की थी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक DPCM है, उन्होंने लगातार सभाएं की थी, जनरैलियाँ की थी, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिला है। निकाय चुनाव बीजेपी ने जिस तरह यहाँ पर 17 मेयर सीट जीत कर आई है, कहीं स्पष्ट करती है कि अगर नीति बेहतर है, रणनीति बेहतर है और आपके काम बेहतर है और अगर आप जनता के बीच लगातार जाते, जनसभाएं करते, संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसका लाभ आपको मिलता है। कहीं ना कहीं इस लाभ को लेकर बढ़ाने को तैयारी पूरी है। इसके अलावा क्योंकि 24 का चुनाव आम जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ इस तरह विपक्षी भी अभी अपनी लामबंदी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी यहाँ पर पूरी मेहनत करती नजर आ रही है। जहाँ बीजेपी की तरफ अपनी हैट्रिक की बात करें तो विपक्षी कह रहा है कि इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है और इस बार विपक्षी एकता यहाँ पर सरकार बनाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही है कि मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर जब आप मौजूद होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी मोदी मैजिक चल रहा है? देखिए मुस्कान, मोदी मैजिक चल रहा नहीं चल रहा है जनता बेहतर जानती है, हम जैसे खबरनबीस भी जानते हैं, शायद विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। तभी मोदी को रोकने के लगातार यहाँ पर लामबंदी की जा रही है। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश जैसे निकाय चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव को छोड़कर कर्नाटक में रैलियां करने गए थे, बसपा सुप्रीमो मायावती रैली करने गई थी, तो कहीं विपक्ष की एकता को यहाँ मजबूत करने प्रयास किया जा रहा है। और मोदी मैजिक नहीं होता या मोदी की बहुतायत नहीं होती या मोदी की यहाँ पर साख नहीं होती, तो निश्चित रूप से विपक्ष की लामबंदी नहीं होती। विपक्ष की लामबंदी स्पष्ट करती है कि अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है, उसको लेकर लगातार विपक्षी एकता को दुरुस्त करने का जोर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव भी यहाँ पर मेहनत कर रहा है, नीतीश कुमार भी मेहनत कर रहा है, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं, लगातार उन्हें बैठक को दौड़ जा रही है, शरद पवार भी मेहनत कर रहे हैं, माकपा भाकपा सभी यहाँ पर प्रयास, जो यहाँ पार्टियां हैं सभी यहाँ लामबंदी का प्रयास कर रही हैं। मोदी मैजिक की अगर बात करें, हिमाचल में बात करें, वहाँ भी नजदीकी से हारी है, अभी गुजरात चुनाव जीत किया है, निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, कर्नाटक में जरूर सरकार इनकी हारी है, सरकार की गई है, पर कहीं ना कहीं इस पर मंथन करना होगा, कहाँ कमी रह गई, क्या वहाँ के जो लोकल मुद्दे पर काम नहीं किया गया या सांप्रदायिक या धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। अगर कई बार धार्मिक मुद्दे भी होते हैं वो हर जगह आपके सटीक नहीं बैठते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कर्नाटक था, कर्नाटक पर दूसरी विचारधारा से यहाँ चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, पर फिलहाल मंथन जरूरी है। मुस्कान, बिल्कुल गौरव, मंथन तो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से ये 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 9 उपलब्धियां भी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करेगी, तो वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर भाजपा इस बार जनता के बीच जाती हुई दिखाई देगी?
देखिए देखिए, उपलब्धियों की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड की हम बात करते हैं, इसके अलावा राशन योजना की हम बात करते हैं, इसके बाद इज्जत घर की हम बात करते हैं, आवास योजना की हम बात करते हैं, चार उपलब्धि हो गए, इसके अलावा उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल में 370 जो उन्होंने हटाया था उसकी बात भी करेंगे, बीजेपी यहाँ पर NIC की बात भी करेगी, इसके अलावा तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है, राम मंदिर की बात भी करेगी, तो कहीं ना कहीं 8 से 9 दिन की बात है जिस पर ये चुनाव लड़ेगी, और आने वाले समय में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये भी महत्वपूर्ण है। मुस्कान, सबसे पहली बात है नीतियाँ, जो नीतियाँ योजनाएं जनता पहुँचाना जरूरी है, और फिलहाल बीजेपी ने जिस तरह कोरोना के समय भी अपने नागरिकों को ध्यान रखते हुए बेहतर व्यवस्था पेश की थी, हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम गड़बड़ियां भी आई थी, बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे, पर चूंकि वैश्विक महामारी थी मुस्कान, और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व से ग्रसित था, और बड़ी संख्या में पूरे विश्व में भी लोग मारे गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, और कहीं ना कहीं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो भारत से यहां बेहतर है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर योगीनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या उनके पदाधिकारियों की बात करें, लगातार संघर्ष जारी है, रणनीति जारी है, और यहां पर योजनाओं को नीति तक जनता तक पहुंचाने के लिए यहां पर 30 मई से 30 जून का अभियान चलाया जाएगा। मुस्कान, बिल्कुल गौरव, रामलला हम लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा भाजपा ने दिया था, और अब अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, तो ऐसे में इस मुद्दे को भाजपा किस तरीके से भुनाएगी और लोगों के बीच लेके जाएगी? बिल्कुल बनाएगी मुस्कान, यहाँ पर देखिए अगर राम मंदिर की बात करें, भाजपा में कहती आ रही है कि राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसके पीछे पीछे भाजपा है, भाजपा ने युद्ध किया है, संघर्ष किया है, मेहनत की है, और उन्हीं के कारण है कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बनाएगी। 24 में यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण का वहाँ पर उद्घाटन होना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, मुद्दा मुस्कान 497 साल पुराना मुद्दा है, 10 पुराना मुद्दा है, 87 साल पुराना मुद्दा है, और यहाँ पर मुद्दे को बीजेपी बनाने का पूरा प्रयास करेगी। 24 चुनाव में पर एक एक समय, एक एक दिन और एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जितनी बेहतर करेगा परिणाम उसके पक्ष में होगा। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ते हुए इस खबर पर, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखनऊ में CMS की फाउंडर मिसेस गांधी पर टॉपर को पीटने का आरोप लगा है। दरअसल 12वीं टॉपर अरफान हसन खान के परिजनों ने मिसेस गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। बताते चले कि छात्र की मां का कहना है कि टॉपर अरफान खान को मेडल देने के लिए बुलाया गया था, मेडल तो दिया नहीं बल्कि इस बीच छात्र की बेइज्जती तक की गई, जिसके बाद से अरहान डिप्रेशन में चला गया है। वही छात्र की माँ राबिया खान ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर CM से अब न्याय की गुहार भी लगाई है। ने CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इस दौरान CMS की संस्थापक मिसेस गांधी पर एक छात्र के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए छात्र अरहान को बुलाया गया था। मेरा नाम है डॉक्टर राबिया खान, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा बेटा पढ़ता है CMS ब्रांच महानगर में, 12th के उसने अभी एग्जाम दिए थे, मेरे बेटे का नाम है अरफान खान और उसके 93% मार्क्स आए हैं, तो उसको बुलाया गया था स्कूल में मेडल देने के लिए। मेरा बच्चा खुशी खुशी मेडल देने गया, मैं शहर में नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर थी, मेरे बच्चे ने मुझे बोला, मुझे बुलाया गया, मैं चला जाऊँ, मैंने कहा चले जाओ तो खुशी का मौका है, जाइए, आपने मेहनत की उसका मिल रहा है आपको। वो गया वहाँ पर, वो वहाँ बैठा हुआ था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। क्या वो खुशी के मौके पर मुस्कुरा नहीं सकता या पीछे मुड़ के देख नहीं सकता अपने दोस्तों को? मिसेस गांधी उठ के आई, उसने उसको मारा, 4-5 थप्पड़ मारने के बाद मेरे बेटे ने उनसे पूछा मैम क्या हुआ है, तो वो उसको कोने में ले जाके उसको फिर से मारा और बोली इतना मारूंगी पुलिस की मार भूल जाओगे। इसका क्या मतलब है? मिसेस गांधी क्या कहना चाहती हैं? किस बात पे पुलिस की मार पड़ेगी उसको? वो खुशी में उसका हंसना मुस्कुराना गुनाह है? वो मेडल लेने गया था, कोई नर्सरी की क्लास अटेंड करने नहीं गया था वो? देखा कि ये वीडियो है जिसमें जो छात्र है मेधावी उसकी मां CM योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल वीडियो जारी करते हुए अरहान की मां ने CM से गुहार लगाई है। CMS की संस्थापक मिसेस गांधी पर यह आरोप लगा है कि छात्रों को सम्मानित करने के दौरान वो टॉपर को एक कोने में लेकर जाती है और उस पर थप्पड़ों की बरसात करती हैं। जब बच्चा ये पूछता है कि आखिर उसको मार पड़ने की वजह क्या है, कि आखिर उसको मारा क्यों गया, तो इस बात पर मिसेस गांधी कहती हैं कि इतना मारूंगी कि पुलिस की मार तक भूल जाओगे।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, आपने ये वीडियो देखा जिसमें सीएमएस की संस्थापक मिसेस गांधी पर ये छात्र के परिजन ने ये आरोप लगाया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से जो अरहान है उसने जो है सीएमएस में टॉप किया है, इस टॉप को लेकर के जिस तरीके से आज उसको मेडल देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिस तरीके से उसके उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात की गई, इसको लेकर के जो उसकी माँ है, उसकी माँ ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें जो है संस्थापक मिसेस गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन बात की जाए, अगर हम पुराने मामलों की तरफ पढ़ेंगे सीएमएस को लेकर के, तो आपको याद होगा 27 जनवरी दिन शुक्रवार था जब सैनिक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे, उस दौरान भी उनके निशाने पर सीएमएस स्कूल था। क्योंकि सीएमएस स्कूल को लेकर के जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही थी कि जब तक इस तरीके के इस संस्थापक होंगे जगदीश गांधी जैसे लोग, तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ाई का जिस तरीके से दबाव पड़ता है वो डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन ये घटना हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज की जो घटना सामने आई, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया, इसको लेकर के जिस तरीके से माँ ने आरोप लगाए हैं कि मिसेस गांधी की इस हरकत के बाद से जो टॉपर्स था वो लगातार डिप्रेशन में है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक टॉपर रहा है अब वो किताबों से दूर भाग रहा है और वो डिप्रेशन का जिस तरीके से शिकार हो रहा है। तो इसको लेकर के जो एक बड़ी बात कही गई कि अगर वो किसी हादसे का शिकार होता है तो इसकी जिम्मेदार मिसेस गांधी होंगी। बिल्कुल कलीम, वैसे तो ये कहा जाता है कि छात्रों को टेंशन मुक्त पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन सीएमएस के संस्थापकों के ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वो बच्चों को प्रेशर करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब ऐसे नतीजे आते हैं तो छात्रों को प्रोत्साहित करने की बजाय फिर आखिर मार क्यों? देखिए, यही एक बड़ी बात है क्योंकि इसी चीजों को लेकर के जो है 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही थी कि जिस तरीके से बच्चों को डिप्रेशन में डाला जाता है, उनकी पढ़ाई को लेकर के उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि जब माइंड फ्री होगा बच्चा तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और वो एक तरीके से क्लास में टॉप कर पाएगा। लेकिन जब टॉपर को ही फिर डिप्रेशन का शिकार बनाया जाए तो फिर आखिर जो बच्चे और हैं उनका भविष्य किस तरीके से जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, ये वीडियो केवल एक नॉर्मल तरीके से अगर नहीं भी देखा जा रहा है तो इसमें एक बड़ी बात ये है कि आखिर जब टॉपर होने के दूसरे दिन ही वो डिप्रेशन में चला जाए तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस तरीके के कई आरोप सीएमएस के ऊपर लग चुके हैं, फिर चाहे बात की जाए गोमती नगर विस्तार की या फिर चारबाग की, क्योंकि चारबाग के सीएमएस की भी कई तस्वीरें ऐसे सामने आ चुकी थी जिसके बाद आरोप लगे थे, जांच की बात कही जा रही थी, लेकिन जांच वो आज तक पूरी नहीं हुई और जांच वही की वही है। बिल्कुल कलीम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सीएमएस के ऊपर कई आरोप इससे पहले भी लग चुके हैं, आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आखिर क्या वजह है जो पुलिस एक सख्त एक्शन नहीं ले पा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए, इसमें एक बात यह भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से सीएमएस एक बड़ी संस्था है, वहां पर हर अधिकारी का बच्चा पढ़ने जाता है, फिर चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो या फिर पीपीएस हो, जब अधिकारियों के बच्चे वहां पे जाते हैं उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सहयोग भी साफ तौर से सीएमएस को मिलता है। क्योंकि सीएमएस के ऊपर जिस तरीके से आरोप भी कई बार लगे हैं, फिर चाहे जमीन हथियाना हो या फिर कई ऐसे आरोप, क्योंकि दूसरे की जमीन पर पूरा स्कूल बनाना, उसको लेकर के भी कई बार लोग सीएम आवास तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, कंप्लेन दी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जो बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उनके द्वारा भी निशाने पर सीएमएस था, क्योंकि उनके द्वारा भी पूरा खाका इसका तैयार किया जा रहा था, पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही थी और लगातार जगदीश गांधी को भी चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी अब ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में साफ तौर से टॉपर्स की माँ सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि जिस तरीके से सीएमएस की संस्थापक के द्वारा इस तरीके की घटना की गई है, तो इस घटना के पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि बच्चा भी लगातार पूछता रहा कि आखिर उसकी पिटाई की वजह क्या है, तो उसकी पिटाई की जो वजह थी उसको बताने के बजाय उसको ये कहा गया कि तुम उसकी पिटाई के कारण जो है पुलिस की मार भूल जाओगे कि आखिर ये। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान एक बेहद ही बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आया है। तो क्या अभी तक मिसेस गांधी ने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या अपने पक्ष में कोई सफाई पेश करती हुई वो दिखाई दी है, या फिर वो अभी भी निश्चिंत है कि कोई एक्शन तो होना नहीं है? देखिए, जिस तरीके से सीएमएस के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगे थे, लेकिन हर आरोपों के बाद अभी तक किसी भी आरोपों का कोई भी बयान सीएमएस की तरफ से नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा साफ जा सकता है कि जिस तरीके से सीएमएस
कि जो घटनाएं सामने आती हैं उसके उसको लेकर के किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना देना, तो साफ कहा जा सकता है कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि पुरानी भी घटनाओं को ले लिया जाए तो पुरानी भी घटनाओं को लेकर के भी आज तक सीएमएस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल मौके पर दिखा दिया जाता है कि हाँ जाँच हो रही, जाँच के नाम पर केवल हीला हवाली नजर आती है। फिलहाल जिस तरीके से घटना ही क्या इस घटना को संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ एक माँ यूपी के सीएम से गुहार लगा रही है कि आखिर उसका बच्चा अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो जाहिर सी बात है एक बड़ा कदम उठाता है। क्योंकि अभी दो दिन पहले की घटना है जब एक छात्रा ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो कम आए थे, लेकिन जब एक टॉपर को डिप्रेशन का शिकार बना दिया जाए तो फिर आखिर उसके पीछे वजह क्या होगी? बिल्कुल कलीम, जाहिर सी बात है कि उनका बयान, मिसेस गांधी का बयान सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि जब संरक्षण प्राप्त होता है उन्हें अधिकारियों का, जब बड़े लोगों का, तो जाहिर सी बात है वो बेखौफ है। और इस बार भी उनका कोई बयान या कोई सफाई वो नहीं पेश करेगी। धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि वीडियो जारी करते हुए एक जो छात्र है उसकी मां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती है कि सीएमएस की फाउंडर के खिलाफ इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार सीएमएस के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी एक मामले पर एक्शन नहीं लिया गया है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक्शन नहीं लिए जाने की वजह क्या है। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है, जिसमें सभी चुनावों की मतदाता सूची अब एक की जाएगी। लोकसभा नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची भी अब एक ही होगी। वहीं बाराबंकी से लोकसभा की मतदाता सूची का काम लगातार जारी है। मतदाता सूची को जोड़ने का काम इससे पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों के चलते मतदाता सूची एक नहीं हो पाई थी। इस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लखनऊ से इसकी पहल होगी, लेकिन मतदाता सूची एक जारी करने के लिए जिम्मेदारी एजेंसियों को दे दी गई है। तो नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो मतदाता सूची है वो एक होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, मतदाता सूची को एक करने का फैसला लिया गया है, आखिर कितना कारगर होगा यह फैसला या कितनी आसानी होगी जो आम जनता है उसके लिए? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आप फिलहाल देखी हैं कि जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें खास तौर पे जो है मतदाता सूची के लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ, या यूँ कहिए कि जितनी भी विपक्ष पार्टी है, सभी जो सत्ता के पार्टी है उसे या बीजेपी सरकार पे पूरा आरोप लगाए कि इन्हीं का किया हुआ धांधली है। और अब देख सकती है किस प्रकार इस पर कितने कम परसेंटेज में जो वोट आया है, 35% से लगभग बताया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मतदाता सूची का गड़बड़ जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा था जो परिसीमन के हुए थे, जो नए वार्ड आए हैं उसके लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ है। और खासतौर पर लोग का ये भी कहना था कि जो नाम उसमें ऐड सूची में दिखाई जा रहा था तभी हमको वोट नहीं दिया जा रहा था और हम वोट से लौट के वापस आ जा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को जब सुनने के बाद निर्वाचन आयोग पर तमाम जब विपक्ष हमला कर रहे थे तो निर्वाचन आयोग काफ़ी इससे चिंतित थी और उसको लेकर ये बड़ा एक फैसला निर्वाचन आयोग लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। निर्वाचन आयोग साफ तौर कह रहा है कि जो सूची होगी मतदाता सूची अब एक किया जाएगा, और ये जो मतदाता सूची का जो कार्यक्रम था वो पहले से भी किया जा रहा था, लेकिन निकाय चुनाव में लेट हो रहा था इसलिए उसको रोक दिया गया। और अब ये जो मतदाता सूची एक करने का जो काम है वो अब लखनऊ से शुरू होगा। और साफ तौर पर आपको बता दें कि इसमें कहा निर्वाचन आयोग कहा है कि जो अब मतदाता सूची होगा उसमें फोटो भी लगाया जाएगा ताकि इसमें कोई भी जो वोटर होंगे इससे कोई इसमें गलत फैमिली नहीं होगा और वो जाके सीधे अपना वोट दे सकेगा। ठीक है सुहानी, जिस तरीके से अब ये एक मतदाता सूची करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है, अभी आपने हमसे जिक्र किया कि फोटो भी लगाई जाएंगी, लेकिन एक मतदाता सूची तैयार करना पूरे देश के लिए ये काम आसान नहीं होगा, तो इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और ये सूची तकरीबन कब तक बनके तैयार हो जाएगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि यही मतदाता सूची नहीं उतना कारीगर, मतलब उतना जल्दीबाजी में नहीं हो सकेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग का साफ और मनोज कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धांधली का जो आरोप है वो निर्वाचन पर हर बार लगता है, इसको हटाने के लिए एजेंसियों का इसे कार्यक्रम दिया गया है और ये पूरा इनका दिया गया है कि जो एजेंसी है उसे पूरा करके रिपोर्ट सौंपे। और वही कहा गया कि चाहे कोई भी अब चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या पंचायत चुनाव हो, या निकाय चुनाव हो, सभी का जो मतदाता
सूची होगा, एक होगा, और इसकी वजह से जब चुनाव होगा तो कोई धांधलीबाजी नहीं होगा, क्योंकि सभी के पास रिपोर्ट कार्ड, चाहे वो आपका अधिकारी हो, चाहे बूथ हो, चाहे निर्वाचन, सभी के पास एक ही मतदाता सूची होगा, जिसे कोई भी गलत फहमी नहीं होगा, और ये पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा। तो इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने जो फैसला लिया हो, कहीं ना कहीं बड़ा कारीगर साबित होगा, क्योंकि अब जब मतदाता सूची बनेगा उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अपडेटर जो अपडेट देना पड़ेगा कि अगर जिस मतदाता सूची का नाम है या कोई अब इस दुनिया में नहीं है उसको बस चेंज किया जाएगा, और इस तरह से जो मतदाता सूची एक होगा, कहीं ना कहीं ये हमारे चुनाव के लिए बहुत बड़ा कारीगर साबित हो सकता है। बिल्कुल सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि जो नगर निकाय चुनाव हुए थे उसमें कई मतदाताओं के लिस्ट से नाम भी गायब थे, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा, लेकिन 2024 में तो बड़ा लोकसभा चुनाव है और ये सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, तो क्या 2024 से पहले इस लिस्ट को तैयार कर लिया जाएगा? जी जी मुस्कान, इसीलिए आपको बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में वो बहुत बड़ा है चुनाव, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव हुआ है उसको लेकर लिटमस पेपर लोकसभा चुनाव माना जा रहा था, जब इसमें देखा गया कि जो चुनाव मतदाता सूची की वजह से 35% वोट पड़ा था, कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, चाहे मान लीजिए सपा सरकार, चाहे जो भी सरकार पार्टियाँ हैं, वो अपनी इस चुनाव को लेकर काफ़ी चिंतित है, और इसी के लिए निर्वाचन आयोग भी अपना कमर कस लिया है, और उसका साफ तौर पर जो निर्वाचन आयोग साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप लगता था पहले ईवीएम का लगता था, अब ये मतदाता सूची का लग रहा है, तो पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, और जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले पहले ये पूरी सूची बन जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिवल मतदाता सूची का पड़ता है, और ये जो लोगों का ये जो उनका आरोप है निर्वाचन आयोग पर, चाहे आप कहिए विपक्ष पार्टी जो निर्वाचन आयोग पर बीएलओ पर जो आरोप लगा रही थी, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और इसको सबसे पहले लखनऊ से तैयार किया जाएगा, और ये और भी अन्य राज्यों में भी ये जो अधिकार है वो हो गया है, मतदाता सूची एक ही रहती है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में नहीं थी, जो को अब वो भी लागू किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, साथ ही दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अब सभी चुनावों की मतदाता सूची एक की जाएगी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, या चाहे वो नगर निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, क्योंकि इस नगर निकाय चुनाव के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया था कि जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस फैसले के जरिए जो चुनाव आयोग है उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक डोज दिया है, एक यूं कहे कि उनकी बोलती बंद करने का इस फैसले ने कहीं ना कहीं प्रयास किया है। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस के आपसी रार लगातार जारी है, एक तरफ जहां सीएम अशोक गहलोत ने जुबानी मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा भी जारी है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को धैर्य रखने का संदेश भेजा गया है, और दावा किया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पायलट से संपर्क साधा है। तो राजस्थान में इस वक्त जो कांग्रेस की रार है वो अब खुल के सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जो है एक तरफ कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस की खुलकर जो खटपट है वो अब सामने आने लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार जब राजस्थान में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार को जनता ने नकारते हुए फिर से कांग्रेस को अपना बहुमत दिया और अशोक गहलोत को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। बकायदा हाईकमान ने यह निर्देश दिया, क्योंकि तब तक सचिन पायलट की बात चल रही थी। सचिन पायलट ने इस विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत किया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि सचिन पायलट आगे चल के राजस्थान में लीड करेंगे, लेकिन इसके बाद जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। बाद में किसी भी तरीके से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सचिन पायलट को भविष्य का चेहरा दिखा के पार्टी अपने साथ जोड़े रही, लेकिन अब लगातार जो सचिन पायलट हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत है, उनमें लगातार द्वंद देखने को मिल रहा है। दोनों खुलेआम एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इसी बीच जो है जिस तरीके से ये 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी सचिन पायलट ने, और पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो कई विधायकों ने इसको सपोर्ट भी किया था, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी थी स्थानीय विधायक ने सहयोग किया था, और बकायदा जो है आप 5वें दिन ये यात्रा खत्म हुई है। आज मंच पे कई लोग शामिल थे और कुल 15 विधायकों का समर्थन भी इस तरीके से सचिन पायलट को मिलता हुआ
देखा जा रहा है। बिल्कुल विवेक, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अहम माना जा रहा है कि सभी पार्टियां एकजुट हो जाए। जहां एक तरफ तीसरा मोर्चा कांग्रेस का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो ये खुलकर जो राड़ सामने आई है, इसका असर कितना पड़ेगा और इसको साधने के लिए जो विपक्षी पार्टियां वो किस तरीके से तैयार नजर आई है? देखिए, अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान में अभी इन तीन जगहों की सरकार है और जिस तरीके से कर्नाटक जीती है, कांग्रेस जो है इसको और भी आगे ले जाएगी। लेकिन राजस्थान में ये वार जो है अब तक जारी है और जिस प्रकार से सचिन पायलट ने अपनी तीन मांगे रखी हैं और जिस प्रकार से वो घेर रहे हैं सरकार को, कहीं ना कहीं एक बगावती सुर है और वहाँ से बाकायदा हाईकमान ने सचिन पायलट को संपर्क भी साध दिया है। अपनी इस यात्रा के दौरान कई बार ऐसा था कि फ़ोन कॉल आते थे सचिन पायलट को, सचिन पायलट दूर जाके उन फ़ोन कॉल को अटेंड करते थे, बात करते थे। तो कहीं कहा जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल जो है सीधे दिल्ली से आते थे और इसी बीच जो है अशोक गहलोत है जब किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ भी वो अपने पीएस से दिल्ली का समाचार पूछते दिखे थे। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान एक ऐसी धरती है जहाँ पे इन दो पार्टियों के अलावा कोई तीसरा मोर्चा बनने की जो पहल है वो कामयाब होते नहीं दिख सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पहले सचिन पायलट से संपर्क साधा था कि वो उनके साथ आ जाएं, उनको लीड करें ताकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी जमीन तलाश सके। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के पहले जो है सचिन पायलट खुलकर जो है बगावत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, अक्सर आपने देखा है कि जब भी सचिन पायलट कुछ ऐसा करते हैं, पार्टी के खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें एक भविष्य का चेहरे दिखा करके, यानी कि एक लॉलीपॉप देकर उनको अक्सर चुप करा दिया जाता है। लेकिन क्या इस बार वो कांग्रेस की लॉलीपॉप काम आती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में? जी बिल्कुल, ये बात सही कही आपने कि उनको भविष्य का चेहरा बना के आगे बता दिया जाता है, लेकिन सचिन पायलट भी अब उस स्थिति परिस्थिति को बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं और बाकायदा तीन मांगे उन्होंने रखी हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को जो है वो भंग किया जाए और जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं छात्रों को मुआवजा दिया जाए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार में जो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जो मामले थे, उसकी सुनवाई हो, उस पर कार्रवाई हो। और पिछले कुछ समय पहले ही अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि देश के गृह मंत्री ने खूब साजिश की थी कि कांग्रेस की जीत के बाद विधायकों को तोड़ लिया जाए, लेकिन वो वसुंधरा राजे थी जिन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये अनएथिकल चीज़ थी, ये राजनीति से अनएथिकल चीज़ थी और ऐसा करने में वो विश्वास नहीं रख रही थी। इसके बाद सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर हुए और कह रहे कि वो अपनी पार्टी के नेताओं का अपमान करके वो वसुंधरा राजे का गुणगान कर रहे हैं, सोनिया गांधी को अपना नेता नहीं मानते, वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस में जिस प्रकार से राज देखी गई है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भी मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे दिखाई देते हैं। जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके लिए एक खेमा चलता है। बाद में उसके अगर बात करें तो जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके राजनीतिक करियर का भी भविष्य तलाशा जा रहा है। राजस्थान में क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनकी भी बात की जा रही है। तो भाजपा के पास भी जो चेहरे हैं, जो द्वंद है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो कई सारे चेहरों के बीच देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया कि जो तमाम पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल अपनी दावेदारी पेश करे। विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो भाजपा भी है वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम दावेदारों को पेश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब सचिन पायलट खुलकर अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो किसी अन्य पार्टी के अभी संपर्क में है? क्या कोई ऐसी जानकारी आपको मिल पाई है फिलहाल? देखिए, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में सचिन पायलट को संपर्क किया था, लेकिन बात बन नहीं पाई है। सचिन पायलट कांग्रेसी हैं, हार्ड वर्कर हैं और कांग्रेस से जो है वो लगातार जुड़ते रहे हैं। इसके पहले राजेश पायलट उनके पिता पुराने कांग्रेसी थे, तो कांग्रेस से उनका जुड़ाव जो है वो अच्छा खासा है। अभी भी वो दिल से कांग्रेसी है, भले मुखालफत कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के राजस्थान में, अशोक गहलोत की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का उनका इरादा नहीं है। अगर उनको छोड़ना होता है तो वो 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ के बाकायदा जा सकते थे। इसके पहले भी वो धरने पर बैठे थे, लेकिन कांग्रेस की राह चुनी और आज भी वो कांग्रेस में रहते हुए भी राजस्थान में अपना भविष्य जो है वो तलाश रहे हैं। वो एक तरीका निकाल रहे हैं कि अब जो है वो
सौ गलत कुर्सी खाली करे और राजस्थान में कांग्रेस उनको लेकर आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि राजस्थान में कांग्रेस का आपसी घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है क्योंकि सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा करते हुए कहीं ना कहीं गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।